हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मैन जो कि 16 मंथ का है उसके पूरे दिन की डाइट यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स में हम मैन को क्या ऑफर करते हैं और उसे क्या खाना पसंद है डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स सी। कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ मैन की पूरे दिन की रूटीन शेयर की है। फिलहाल मैं उसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, बस मैंने रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं मॉर्निंग में अराउंड 7 to 7:30 तक उठ जाता है, तो नए रूटीन के अकॉर्डिंग अब मैं पहले उसे पूरे दिन के लिए रेडी कर लेती हूँ एंड देन होल मिल्क ऑफर करती हूँ। और जब तक वो मिल्क पी रहा होता है तब तक मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज वेजी कटलेट बना रही हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि मैन को स्वीट से ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाना पसंद है, तो मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में उसके लिए सॉल्टी फूड ही बनाती हूँ। तो वेजी कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ एक स्पून बटर का यूज़ किया है, देन एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ आलू और अराउंड आधा कप हरे मटर लिया है। उसे मैंने अराउंड एक कप ग्रेटेड कैरेट भी यूज़ किया है। सी, यहाँ पर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग और जो भी वेजिटेबल आपके बच्चे पसंद करते हो वो ले सकते हो। वेजिटेबल को अच्छी तरह फ्राई करके उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर मैं ड्राई पार्सली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, पर ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर ये आपको इजीली नहीं मिल पाती है और अगर इसका फ्लेवर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हो। देन धीमी आँच पर सॉफ्ट होने तक ढककर वेजिटेबल्स को अच्छी तरह कुक कर ले। बीच बीच में सब्जियों को चलाकर चेक करते रहे। जब तक मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैंने इस मैन को कुछ ग्रेटेड कैरेट दिया है। आजकल जब मैं कुकिंग करती हूँ तो उस मैन को बिजी रखने के लिए जो भी बना रही हूँ थोड़ा बहुत उसे कप में खाने या खेलने के लिए देती हूँ, तो मेरे लिए कुकिंग करना आसान होता है क्योंकि इस मैन फूड के साथ बिजी हो जाता है। 15 से 20 मिनट में मेरी सब्जियाँ कुक हो गई है। तो सब्जियाँ थोड़ी ठंडी होने के बाद मैंने उसे फोर्क की हेल्प से मैश कर लिया है ताकि इस मैन ईजिली खा सके। कटलेट को राउंड शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीग्रेन ब्रेड को मिक्सर में मिक्स करके उसके क्रम्स बना लिए हैं। तो वेजी मिक्स में मैंने यहाँ पर अराउंड 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स लिया है जिससे मैं अपने कटलेट को बाइंड कर सकूँगी। नॉर्मली जब हम कटलेट बनाते हैं तो उसे बेसन या कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर का यूज़ करके उसे डीप फ्राई करते हैं, तो मुझे डीप फ्राई नहीं करना है। दैट्स वाई मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है जो रेडी टू ईट होते हैं। देन वेजी में ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह मिलाकर उसके छोटे छोटे राउंड शेप के कटलेट बना ले। इसे आप पैन में बटर लगाकर दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने और क्रिस्पी होने तक सेक सकते हो। बट मैन को ऐसे ही खाना अच्छा लगता है तो मैं उसे ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ। तो वेजी कटलेट के साथ में मैंने ब्रेकफास्ट में मैन को चीज़ स्लाइस, ग्रेप्स और क्रीम दिया है। ये वेजी कटलेट क्रीम के साथ में मैन को खाना बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली इस मैन को ब्रेकफास्ट में मैं पराठे ऑफर करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं इसी तरह का हैवी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वीक में एक या दो दिन ऐसा भी होता है कि ब्रेकफास्ट में मैं सीरियल, मिल्क या चीज़ सैंडविच जो कि जल्दी बन जाए ऐसे फूड भी ऑफर करती हूँ। ध्यान रखें कि आप अपने 15 से 18 महीने के बच्चे को दिन में एटलीस्ट 3 मील तो ज़रूर दें। उनके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ और फ्रूट्स इंक्लूड करें जिससे उन्हें इनफ विटामिंस मिल सके, जिससे उनका फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट अच्छी तरह हो। और 2 साल से पहले बच्चे को हो सके तो जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें। खाने के साथ उन्हें हर बार पीने के लिए पानी भी ज़रूर ऑफर करें। अराउंड मॉर्निंग में 10 या 10:30 में हमारे लिए लंच बनाना शुरू कर देती हूँ। तो लंच बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 1 कप होल मसूर दाल को आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रख दिया है। आधे घंटे बाद मैं 1 कप होल मसूर दाल में अराउंड 3 कप पानी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी और नमक डालकर कुकर में कुक होने के लिए रख दूंगी। मसूर दाल को अच्छी तरह पकने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 whistles लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट से लंच इन दोनों के बीच काफ़ी टाइम गैप होता है क्योंकि इसमें अराउंड 8 बजे तक ब्रेकफास्ट और 12:30 के बाद ही लंच करता है। तो इन मिडल 10 या 10:30 तक मैं उसे कुछ फ्रूट्स ऑफर करती हूँ। फ्रूट्स इसलिए ऑफर करती हूँ क्योंकि वो खाने में लाइट होते हैं, तो लंच टाइम होने तक इसमें हंग्री फील करने लगता है तो लंच अच्छी तरह खा लेता है। स्मैन को ग्रेप्स खाना काफ़ी पसंद है। मोस्टली मैं उसे फ्रूट्स छोटे साइज में कट करके एज अ फिंगर फूड ऑफर करती हूँ ताकि वो खुद इजीली खा सके। बट 11 से लेकर 12:30 तक मैं स्मैन को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती हूँ ताकि वो लंच टाइम तक हंग्री फील करे और लंच अच्छी तरह खाए। ट्राई करती हूँ कि वो अराउंड 10:30 से लेकर 12:30 तक सो जाए।
मोस्टली वो 10:30 से 12:30 तक नैप लेता भी है, पर अगर किसी दिन वो नहीं सोए तो मैं उसे टॉयज देकर एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ और तब तक अपना लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिलहाल मैं नैप ले रहे हैं तो लंच में मैं आज होल मसूर दाल तड़का के साथ राइस बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने तेल में राई जीरा हींग के साथ 2 स्पून गार्लिक लिया है। इन्हें भुनने के बाद मैंने उसमें अराउंड 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर ऐड कर लिया है। टमाटर को अच्छी तरह गलने तक भुने। टमाटर जब भुन जाए तब मैंने हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर लिया है। जब आपका मसाला बनकर रेडी हो जाए उसमें जो मसूर की दाल आपने कुकर में कुक करने के लिए रखी थी उसे मसाले में डालकर 20 से 25 मिनट तक स्लो आंच में पकने के लिए रख दे। बीच बीच में चलाते रहे 20 मिनट तक। जब आपका दाल बनकर रेडी हो जाए गैस बंद कर दे। ये दाल चावल या रोटी दोनों के साथ स्मैन को खाना पसंद है। लंच टाइम में मैं मोस्टली स्मैन को राइस ऑफर करती हूँ। राइस एंड दाल में घी डालकर आप अपने बच्चों को खिलाएं, देखना उन्हें यह दाल ज़रूर पसंद आएगी। मैंने चावल में दाल मिलाकर उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है क्योंकि अयांश 12:30 तक प्री स्कूल से घर आ जाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर ही स्मैन मोस्टली नैप से उठता है। तो अयांश को एक्चुअली स्कूल से आकर योगर्ट खाना पसंद है। आजकल उसे देखकर स्मैन भी फ्लेवर्ड योगर्ट खाने लगा है। तो जब तक लंच थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक दोनों बच्चे योगर्ट इन्जॉय कर रहे हैं। लंच में स्मैन के लिए जो मैंने दाल एंड राइस ठंडा होने के लिए रखा था अब वो सर्व करने के लिए रेडी है। तो लंच में मैं स्मैन को दाल राइस के साथ होममेड योगर्ट और टमेटो स्लाइस ऑफर किया है। स्मैन जब अराउंड 11 to 12 मंथ का था तब से ही उसे स्पून से फूड खाना अच्छा लगता है। अब वह स्पून और फोक दोनों को कैसे यूज़ करते हैं अच्छी तरह सीख गया है। अगर आपको जानना है कि मोस्टली स्मैन लंच या डिनर में क्या खाना पसंद करता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं ज़रूर आपके साथ स्मैन के फेवरेट मील शेयर करूँगी। नो मैटर वॉट, कोई भी सीजन हो मेरे दोनों बच्चे बनाना खाना पसंद करते हैं। तो लंच के थोड़ी देर बाद अराउंड आधे या एक घंटे बाद स्मैन को स्वीट खाना अच्छा लगता है। तो मोस्टली अब आफ्टर लंच मैं स्मैन को बनाना ऑफर करती हूँ। अब वो एवरी फूड अपने हाथ से खाना चाहता है तो जब तक वो खुद से बनाना खाता है मैं उसे खाने देती हूँ। बट आफ्टर हाफ बनाना या थोड़ा खाने के बाद वो उसे खेलना शुरू कर देता है तो रेस्ट ऑफ द बनाना मैं अपने हाथ से उसे फीड करती हूँ। अराउंड दोपहर के 3 बजे मैं स्मैन और अयांश दोनों को होल मिल्क ऑफर करती हूँ। अभी भी स्मैन एटलीस्ट नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो पूरी तरह से होल मिल्क पीना शुरू कर दे इस पर मैं वर्क कर रही हूँ। इसलिए पूरे दिन में उसे 1 या 2 बार ही ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ और अयांश और स्मैन को साथ में ही मिल्क पीने के लिए देती हूँ क्योंकि अयांश को देखकर स्मैन को भी दूध पीने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मोस्टली दोनों बच्चे एवरी फूड ऑलमोस्ट साथ में ही खाते या पीते हैं। अगर आपका बच्चा स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और काव मिल्क लेना पसंद नहीं करता है तो उसे काव मिल्क पीने की हैबिट हो जाए। इसके लिए आप अपने बच्चों को रूटीन से दूध ऑफर करें। लाइक स्मैन को भी हम दिन में एटलीस्ट 3 बार दूध पीने के लिए देते हैं। चाहे वो पिए या ना पिए आप उसे टाइम टू टाइम दूध पीने के लिए देते रहे। शुरू में वो नहीं पिएगा बट इवेंचुअली आप देखोगे कि धीरे धीरे उसे दूध पीने की आदत होने लगेगी। तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर वो आपसे खुद दूध पीने के लिए कहेगा। हमने अयांश को भी दूध पीने की हैबिट इसी तरह डाली थी तो अब तो वो खुद ही कहता है कि उसे दूध पीना है और दूध उसे पीना अच्छा भी लगता है। सेम चीज़ हम स्मैन पर भी अप्लाई कर रहे हैं। दूध पीने की थोड़ी देर बाद यानी कि लेट आफ्टरनून अराउंड 4 बजे तक अयांश और स्मैन दोनों बच्चों को मैं फ्रूट्स ऑफर करती हूँ। मोस्टली बच्चे इस समय एप्पल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पर अगर कोई और भी फ्रूट्स घर में हो तो मैं इसी समय 2 या 3 फ्रूट्स का फ्रूट सैलड बनाकर दोनों बच्चों को सर्व करती हूँ। इस समय बच्चे थोड़ा टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के साथ साथ जो भी मैंने फ्रूट्स उन्हें ऑफर किया है वो खा लेते हैं। स्मैन को ग्रैहम क्रैकर खाना भी अच्छा लगता है तो अराउंड 5 बजे तक मैं उसे लास्ट स्नैक्स ऑफर करती हूँ। तो स्नैक्स में मैंने उसे ग्रैहम क्रैकर के साथ चीज़ स्लाइस और रेजिन्स दिए हैं। ये तीनों भी चीज़ स्मैन की फेवरेट है तो अराउंड 6:30 से 7 के बीच में मैं उसे डिनर कराती हूँ। तो अब से लेकर डिनर तक इसके बाद मैं उसे कुछ भी खाने के लिए ऑफ़र नहीं करती हूँ ताकि इसे खाने के बाद वो थोड़ा खेले और 6:30 तक हंग्री हो जाए और डिनर भी अच्छी तरह खाए। एवरीडे 6:30 to 7 तक हम डिनर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब स्मैन दिन में एक ही नैप ले रहा है तो 7:30 to 8 तक उसका बेड टाइम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक स्मैन अब सो जाता है तो हम 7:15 या 7:20 तक
उसे डिनर करा देते हैं ताकि दूध पीकर वो अपनी बेड टाइम रूटीन फॉलो करके अराउंड 8 बजे तक सो जाए। तो डिनर में मैंने इस मैन को आज वेज स्टफ्ड पराठे, होल मसूर दाल और फ्रेश क्रीम ऑफ़र किया है। ये पराठे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए जो कटलेट बनाए थे उसी के मटेरियल से बनाए हैं, जिसे मैंने डिनर में पराठे बनाने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। तो पराठे बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। तो अगर आपको जानना है कि पराठे मैंने कैसे बनाए तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो ऑलमोस्ट एवरी डेज मैन की डाइट यही होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जल्द ही आपके कमेंट का आंसर करूँगी। एंड अगेन, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपको एक वीडियो नए वीडियो के साथ मिलूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।